Assalamualaikum everyone, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे MPH 622 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स और उसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएनसी को शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है एग्जांपल ऑफ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ लास्ट इंडेक्स सॉल्यूशन। यहां से हमने सबसे पहले हमारे पास रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट को हम देखेंगे कौन से हमारे पास है, लास्ट के रेडियल कंपोनेंट है और ट्रांसवर्स कंपोनेंट है। इसी तरह से हमने एक्सेलरेशन के फाइंड करने हैं और ये हमारे पास किसके हैं, एक्सेलरेशन के हैं, रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स। यहां से हमने जो टीई याद करना है और इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है एग्जांपल ऑफ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट के, किस तरह से हम रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड करते हैं लास्ट और एक्सेलरेशन के। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये एग्जांपल है, आपने अच्छे से सॉल्व कर लेना है। और रेफरेंस सिस्टम ऑफ इनर्शियल फ्रेम, यहाँ पे फ्रेमवर्क की डेफिनेशन करनी है, इनर्शियल फ्रेम की जस्ट रीड आउट करना है और उसके बाद यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जांपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम, ये हमारे पास एग्जांपल है और हम इसको भी ये तीनों एग्जांपल्स को करना है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉज, और ये लास्ट की डेफिनेशन और न्यूटन फर्स्ट लॉ किसके इक्वल होता है, फिजिकल टू एमए के इक्वल होता है, ये आपने लर्न कर लेना है। और जो हाईलाइट किया बस ये करना है, बाकी उस चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कोई भी एक आप एग्जांपल करें, न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन करनी है और इसके बाद यहाँ पे ये किसके इक्वल होता है और इसकी एक और एग्जाम्पल कर लेनी है। उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ भी इसी तरह से करना है, ये अपने डेफिनेशन इसकी करनी है और एग्जाम्पल करनी है। और इसके बाद नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ से हमने इसकी डेफिनेशन करेंगे और इक्वेशन करेंगे और इसका यूनिट करेंगे। मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल की, सिस्टम ऑफ पार्टिकल मोमेंटम किसके इक्वल होता है, वो हमें लर्न करना है। अब उसके बाद है स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कौन सी स्टेटमेंट है ये हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है ये एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं करनी, वैलिडिटी ऑफ न्यूटन लॉज। अब वैलिडिटी जो न्यूटन लॉज की है इसमें आपने ये एग्जांपल अच्छे से करने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, अब ये एग्जांपल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने तीनों एग्जांपल्स करने हैं। अब सेकंड लॉ के एग्जांपल जो है ये भी आपने करने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ की जो एग्जाम्पल है ये भी हमने करनी है और ये दोनों एग्जाम्पल कर लेनी है। इंट्रोडक्शन टू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का वन बाय वन स्टडी करेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या, सबसे पहले एनर्जी की डेफिनेशन करनी है और उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन करनी है और किसके इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम, ये भी आपको पता होना चाहिए, इज इक्वल टू पी स्क्वायर और एम इक्वल होता है ऐसा कोई से, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू वर्क थ्योरम, अब इंट्रोडक्शन टू वर्क थ्योरम, वर्क थ्योरम क्या होता है और किसके इक्वल होता है, वर्क इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद करना है और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी। और उसके बाद नेक्स्ट है थ्योरम स्टेटमेंट, ये हमारे पास थ्योरम है, जो ये स्टेटमेंट है ये आप लोगों को एमएमसीक्यूज आ जाती है, ये भी आप लोगों ने कर लेनी है। पार्टिकल ऑफ कांस्टेंट मास एम मूव इन स्पेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स फील्ड अस्यूमिंग दैट एट टी1 एंड टी2 द वी1 एंड लास्टिंग है, हमने प्रूव करना है वर्क इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से दे सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम टी1 और टी2 का लास्टिंग वी1 एंड वी2 है तो आप ये बताएं कि वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये किस तरह से ना, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और इसमें से एमसीक्यू भी आ सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ वर्कमैन, ये वर्कमैन की एग्जाम्पल है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करनी है। और उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या है, अब पाथ इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन सबसे पहले करेंगे। और उसके बाद है हमारे पास इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व फ्रॉम पी1 टू पी2 देन द टोटल वर्कमैन, तो टोटल वर्कमैन को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं ये हमने करना है। और इसके बाद यहाँ पे है हमारे पास इंडिपेंडेंस ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व पाथ, एक कर्व पाथ के अलोंग डिस्टेंस से मूव करता है, ये हमने डेफिनेशन से याद कर लेनी है। उसके बाद नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, ये लाजमी हमने करना है। और उसके बाद नेक्स्ट ये एग्जांपल्स हैं, इनमें से कोई ये कर लें। और एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, अभी हमारे पास एग्जांपल है कंजर्वेटिव फील्ड की, हमने इसको सॉल्व करना है या प्रूव करना है कि ये फोर्स जो है कंजर्वेटिव है या नहीं है। सबसे पहले हमने इसके डायरेक्ट के साथ कर लेंगे, अगर तो वो आ जाता है हमारे पास जीरो के तो फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, तो हमें ये प्रूव कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद नेक्स्ट है रिलेटेड टॉपिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, एनर्जी थ्योरम दिया हुआ है, ये बस आपने इस इक्वल टू किसके इक्वल होता है वो याद करना है। और उसके बाद नेक्स्ट है कंजर्वेटिव सिस्टम एंड ऑर्बिट ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे कुछ नहीं करना। और हमारे पास नेक्स्ट है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ये डेफिनेशन करनी है, डेफिनेशन के बाद हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म करेंगे। और वर्क एनर्जी रिलेशन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये जो है रिलेशन जो आप लोगों ने बस ये रिलेशन, नेक्स्ट एग्जांपल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की, अगर हमारे पास फोर्स फील्ड है तो हमें किस तरह से तो कहना है नॉन कंजर्वेटिव है कंजर्वेटिव है, तो आंसर हमारे पास और डेल लेंगे अपने साथ, तो हमारे पास ये वाला फोर्स कंजर्वेटिव है, जीरो की कोई नहीं आता, नॉन कंजर्वेटिव है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने इसे करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑसिलेटर का, उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑसिलेटर, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और ऑसिलेटर के इनकी फोर्स किसके इक्वल होती है। और उसके बाद नेक्स्ट है मास ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का मास, और यहाँ से हमें ये फॉर्मूला याद करना है टाइम पीरियड फाइंड करने का, अगर किसी मास ऑफ स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया हो तो हम उसका टाइम पीरियड कैसे फाइंड कर सकते हैं, बस यहाँ से आपने ये फॉर्मूला याद करना है। और उसके बाद नेक्स्ट है सिंपल पेंडुलम के जरिए टाइम पीरियड फाइंड करने का, ये फॉर्मूला बस यहाँ से आपने ये फॉर्मूला ही तैयार करने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ से हमने करना है एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे इसकी डेफिनेशन, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ये डेफिनेशन करनी है।
और एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन किससे इक्वल होती है, एक काइनेटिक एनर्जी टेंशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक, इन दोनों से काफी इक्वल होती है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो है हमारे पास एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी एग्जांपल्स क्या है ये आपने सारी अच्छे से कर लेनी है तीनों की तीनों। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि अगर हमारे पास सिंपल हार्मोनिक एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इसकी एग्जाम्पल क्या है, तो हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट है डेथ हार्मोनिक ऑसिलेटर, डेथ हार्मोनिक ऑसिलेटर में फोर्स किसी को होती है हार्मोनिक मोशन, डेथ हार्मोनिक ऑसिलेटर इसमें है एफ डी इक्वल टू माइनस बी वी इक्वल है, और वी यहाँ पे उसने एफ डॉट से रिप्रेजेंट किया है, जब यहाँ से हमें वी इक्वल सर्च करना है। और उसके बाद यहाँ से हमें डेफिनेशन लिख लेंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन हार्मोनिक ऑसिलेटर इज कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स। ये यहाँ पे आपने इतना तैयार करना अच्छे से, और ये बाकी कुछ भी नहीं तैयार करना। एग्जाम्पल क्या है डेथ हार्मोनिक ऑसिलेटर की, यहाँ से हम एग्जाम्पल देख लेंगे, ये इसने एक एग्जाम्पल दिया है और इसको सॉल्व किया है। और इसका प्रूफ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन एक नजर देखें, कभी कभी आ जाता है लेकिन मुझसे नहीं आता। और उसके बाद है कैशलेस थ्योरम, इसकी ये जो स्टेटमेंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हम कैशलेस थ्योरम की स्टेटमेंट लर्न करेंगे, ये हमें उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है और कोई इसमें इसे अच्छे से आपने तैयार करना है। और उसके बाद नेक्स्ट है काइनेटिक ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अब यहाँ से हमें ये डेफिनेशन करके तैयार करनी है स्पेस की, टाइम की और मैटर की। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ पार्टिकल, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग, सारी हमें डेफिनेशन वन बाय वन लर्न करनी है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन फॉर अ बॉडी, और उसके बाद है यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन, ये भी आपने डेफिनेशन करनी है, बस काफी ज्यादा जो है एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ कर्वीलिनियर मोशन ऑफ पार्टिकल, कि कर्वीलिनियर मोशन होती है पार्टिकल की क्या होती है, अदर मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अराउंड कर्वस, ये जो है हमारे पास ये थीसिस की डेफिनेशन करनी है कर्वीलिनियर मोशन की। और उसके बाद है लास्टली कर्वीलिनियर मोशन की किसकी इक्वल होती है, यहाँ पर हम ये बस इतना तैयार करेंगे। और एक्सेलरेशन कर्वीलिनियर मोशन का एक्सेलरेशन क्या होता है, एग्जाम्पल को एक आपने एग्जाम्पल कर लेनी है, एग्जाम्पल रिलेटेड टू द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे आप प्रूव लंबी का कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये इस तरह से कोई जा सकता है कि लंबी और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है किस तरह के होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, नॉन ऑर्थोगोनल होते हैं, इस तरह से कोई भी आप लोगों को आ सकता है। और इसका प्रूफ ये भी आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर टू है कि इसको इसके ऊपर हमें प्रूव करना है, ये भी करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन का पहले इंट्रोडक्शन है, टेरियन फिक्स के होते हैं मोशन को प्रोजेक्टाइल रेजिस्टेंस, अब ये किसी के होगी कि हमें यहाँ से लर्न करना है कि और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद है टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट जो है हमारे पास इसको फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ लाइट फाइंड करने का ये फॉर्मूला हमें याद करना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम की, ये आपने दोनों अच्छे से याद करनी है। और ये भी आपने मतलब माइंड में रखना है कि अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है, हम दोनों का सम जो है फर्स्ट पार्टिकल के और सेकंड के दोनों के सम का इक्वल होते हैं दूसरे के, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये एग्जांपल्स दी हुई हैं और इनको वन बाय वन सॉल्व किया हुआ है, तो आपने ये सारी अच्छे से करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छे से करनी है, इसमें से लास्ट में एक आ जाती है कोई ना कोई ना। और इसके बाद इंट्रोडक्शन टू द इंपल्स डेरिवेशन, जो हमारे पास इंपल्स डेरिवेशन है उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ से हमें ये थ्योरम की स्टेटमेंट याद करनी है। और यहाँ पे इसका प्रूफ है, ये प्रूफ भी आपने करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स के एग्जाम्पल थे, ठीक है। और टॉर्क, यहाँ से हम टॉर्क की डेफिनेशन करेंगे और टॉर्क की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है यहाँ तक, ठीक है, ये हमारे पास टॉर्क की डेफिनेशन है। और उसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है,
और उसके नेगेटिव केस भी होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा इंस्टीट्यूट अच्छे से रेडी कर देना है, ठीक है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, टॉर्क इज इलेक्ट्रिक क्वांटिटी है, इन दैट इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, द एक्सैक्ट यूनिट फॉर अ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, द डायरेक्शन ऑफ अ टॉर्क कैन बी एप्रोक्सीमेट यूजिंग राइट हैंड रूल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट है, ये भी आपने तीनों पॉइंट अच्छे से रेडी करने हैं। और इसके बाद ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, और ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम भी आपने करना है अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ टॉर्क, टॉर्क के ये एग्जाम्पल्स जो है हमने सोल्व करनी है दोनों को वन बाय वन, ठीक है, ये भी आप लोगों ने कर लेनी है। और उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू द रिजिड बॉडी एंड इलास्टिक बॉडी, इनकी डेफिनेशन के बारे में बताया, डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक बॉडी, ये डेफिनेशन करनी है एक एग्जाम्पल करने के बॉडी। और उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रिजिड बॉडी, प्रॉपर्टीज क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्रॉसेशन, ये प्रॉपर्टीज के नाम और इनको जस्ट रीड करना है, इसकी डेफिनेशन नहीं आती, बस ऐसा एनसी को बस एक बार रीड कर लेना अगर आ भी जाए, लेकिन इसमें से कमी आता है बस टाइप्स के बारे में पता हो कौन कौन सी टाइप्स है, जैसे हमारे पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कॉन्सेशन है, रोटेशन है, इसमें जैसे सी ए की डेफिनेशन राइट करते देंगे और पूछेंगे आपके पास ये रोटेशन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये कहती था ना। और उसके बाद है इंटरस्टिनियस एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन, इंटरस्टिनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होते हैं, ये आपने डेफिनेशन क्या करनी है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंटरस्टिनियस इंटरस्टिनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, और ये इसकी डेफिनेशन। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ मैथ एंड मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मैथ, सेंटर ऑफ मैथ क्या है और उसकी मोशन क्या है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मैथ, सेंटर ऑफ मैथ फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करता है, टाइम पे, एंड देयरफॉर द आरसी आल्सो एज अ फंक्शन ऑफ टी, द वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मैथ बी बी इवन एम, ये वेलोसिटी है और इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब वेलोसिटी को मैं बताना चाहिए आप लोगों को सेंटर ऑफ मैथ का ये है, और उसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला एक्सेलरेशन फाइंड करने का सेंटर ऑफ मास का, ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों ने इससे तैयार करने हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हमारे पास मोशन क्या होती है सेंटर ऑफ मास की, ये आपने एग्जाम्पल को इनको रीड आउट कर लेना है, बस ये ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सेंटर ऑफ मैथ एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मैथ, ये हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम इनर्शिया, यहाँ से हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में लर्न करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम पार्टिकल, ये आप लोगों ने अच्छे से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी आपने करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, इस तरह की चीजें जो है हर बार आती है तकरीबन उसमें, कुछ कोई ध्यान नहीं शॉर्ट सिस्टम से। और उसके बाद प्रॉब्लम एग्जाम्पल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, उसके एग्जाम्पल से है हमारे पास प्रॉब्लम जो है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग ऑफ रेडियस डी अबाउट द एक्सिस ऑफ द सेंटर, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। और रेडियस ऑफ ग्रेशन, यानी कि रेडियस ऑफ ग्रेशन का क्या फॉर्मूला है, अब इसको रिप्रेजेंट किससे किया है, उसने कैसे किया है, और ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास या फिर दोनों फॉर्म में आपने लर्न करना है। एग्जाम्पल है इसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी फाइंड करने के बाद आती है, ठीक है, रेडियस ऑफ ग्रेशन फाइंड करें। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द इनर्शिया मैट्रिक्स, प्रिंसिपल एक्सिस जो होते हैं इनर्शिया मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनली ऑर्थोगोनलिटी ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है, चेक करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द डायनामिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, डायनामिक की डेफिनेशन करेंगे, और यहाँ से हमारे पास द डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जस्ट हमें डायनामिक्स की डेफिनेशन करनी है यहाँ से, ये डेफिनेशन, और उसके बाद यहाँ से और कुछ नहीं करना, बाकी आपने स्किप कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू द सेंटर ऑफ मैथ एंड लीनियर मोमेंटम, अब यहाँ से सेंटर ऑफ मैथ का फॉर्मूला जो हमें पढ़ चुके हैं, अब लीनियर मोमेंटम क्या है इसकी डेफिनेशन करनी है, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, और बाकी एक्स्ट्रा चीजें कि पी इज इक्वल टू एम वी के बराबर होता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर अ मल्टीपल पार्टिकल, अब ये आपने यहाँ पे है इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विल बी कंजर्व, यानी कि कंजर्व रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, तो ये आपको बताना चाहिए, एज एन सीक्वेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रूफ भी आ जाता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कभार नहीं बनाया था। और इसके बाद एग्जाम्पल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जाम्पल दी हुई है, कर ले तो बेस्ट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो छोटी सी आगे सकती है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ये भी आप लोगों ने देखनी है, ये सारी एग्जाम्पल्स एक बार कर लेंगे आप लोग, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम डेरिवेशन, एंगुलर मोमेंटम की क्या डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं करना। और है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम केस ऑफ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ये भी आप लोग रहने दें, ठीक है। लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन, यहाँ से एंगुलर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के किसके ऊपर होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये इस तरह की चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये बाकी नहीं करना, जो बस मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, एग्जाम्पल रिलेटेड टू द एंगुलर मोमेंटम, ये हम स्टेटमेंट यहाँ पे करेंगे, ठीक है, और इन दोनों को फाइंड आउट करेंगे दोनों मेथड से, ये दोनों आपने करनी है, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम अबाउट द
principal axis derivation of kinetic energy की definition करेंगे और इसी mathematical form kinetic energy of rigid body इसी से equal होते हैं. तो हमें ये करना है यहाँ पे kinetic energy of rigid body with respect to origin, तो यहाँ पे इसी equal होते हैं. अब उसके बाद है kinetic energy of rigid body about the axis of principal, ये principal के axis के around किस तरह होते हैं. ये सारे forms आपने अच्छे से learn कर लेनी है. और हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन लाइन, कि गिवन लाइन के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये हम इसको लर्न करेंगे. ये बाकी प्रूफ क्या करने की जरूरत नहीं है. तो जस्ट हमें एक मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ से करनी है. एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन लाइन. अब ये देखें कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड सरप्लस कोन अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ये हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है. ये आप लोग रहने दें, इसको स्किप कर लें. बस ये याद करना है इसमें से कि किससे इक्वल होता है. और उसके बाद नेक्स्ट है एलिपसाइड ऑफ इनर्शिया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, ये बस और कुछ नहीं कहना. फिर उसके बाद अपने सारा स्किप करना है. ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. वो तो काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ टेंसर रोटेशन का. अब ये टेंसर रोटेशन का जो होता है मोमेंटम वो क्या है, हमारे पास ये फाइनल पॉइंट ही रहना है. बस ऐसे इंट्रोडक्शन टू स्पेशल मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, कि उसका क्या इंट्रोडक्शन है. सोलिड सर्कुलर सिलेंडर का क्या होता है, ये आपने याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और ये भी सोलिड स्फीयर का क्या होता है, पोलो स्फीयर का क्या है, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है. ये ट्राइंगुलर राइट सर्कुलर कोन का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थिन रॉड डेरिवेशन, थिन रॉड डेरिवेशन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कैसे फाइंड करते हैं, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये थ्योरम सॉल्व करना है. और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग डेरिवेशन, ये रिंग वाला भी कर लें. और इसके बाद नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंगुलर डिस्क डेरिवेशन. ये जो है ना ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से वो कोई भी पिक कर सकता है, अदरवाइज तो कोई नहीं करता. अगर एग्जामिनर के माइंड का क्या पता कि कौन सा वो बता लेना, इसमें से आ जाता है मुझसे. और ये भी थ्योरम आपने करना है. इनर्शिया वाले में से एक आ ही आता है रेक्टेंगुलर प्लेट डेरिवेशन. अब प्लेट का किस तरह से फाइंड करेंगे, ये भी करना है, ठीक है. और इसकी बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्केयर प्लेट डेरिवेशन, स्केयर प्लेट का भी करेंगे. और ये बाकी थ्योरम याद करेंगे नहीं करें. देखिए ये लास्ट वाली टर्म जो है आप लोगों ने अच्छे से याद करनी होती है, ये कि स्केयर का कौन सा है, रेक्टेंगुलर का क्या है, अगर टू प्लेट का है वो किस तरह से है, ठीक है. अब ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर लेमिनर डेरिवेशन का, ये भी. और इसको प्रूव करने के बाद जो आंसर आता है वो आप लोगों ने लास्ट में याद करना है, ठीक है. मेजर एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी डेफिनेशन जो है थ्योरम की स्टेटमेंट भी आती है एज अ शॉर्ट कट, ठीक है. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सर्कुलर डेरिवेशन, होलो सिलेंडर का, ये वैसे ये होलो सिलेंडर वाला नहीं आता, लास्ट टर्म आपने याद करनी है. मैथमेटिकल फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर डेरिवेशन, और सॉलिड वाला ये करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो स्फीयर डेरिवेशन, ये भी करना है, ठीक है. इनर्शिया मैट्रिक्स टेंसर सॉलिड क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड वाला रहने दें. बस ये आप लोगों ने इसकी लास्ट जो टर्म्स हैं ये तीनों याद करनी है, ठीक है. और कुछ नहीं करना. इनर्शिया मैट्रिक्स टेंसर ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड, इसकी स्टेटमेंट बस करनी है और ये बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हेमीस्फीयर डेरिवेशन, हेमीस्फीयर का क्या होता है, ये आपने इसकी स्टेटमेंट और इसका जो प्रूव करने के बाद ये आंसर आता है वो आप लोगों ने लर्न करना है. ये वाला कि हेमीस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिप्साइड डेरिवेशन, एलिप्साइड डेरिवेशन क्या है, ये अच्छे से क्या करना है, ठीक है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ये प्रूव करने की जरूरत नहीं. और इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कर लें. सेकेंड एग्जाम्पल है और उसके बाद नेक्स्ट ये थर्ड एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने करने हैं, ठीक है. फोर जितनी भी इसकी एग्जाम्पल है ना ये सारी आप लोगों ने एक बार कर लेनी है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसे कहीं से ज़्यादा लेंथ भी नहीं है. तो एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये यहाँ से जो है इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ, ये लाजमी करना है. ये जो है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैरेलल एक्सिस का और परपेंडिकुलर दोनों ही.
एक एग्जांपल है, अब ये एग्जांपल लेना है, बस उसका प्रूफ लिख करना है आपने, ठीक है। अब पैरालेक्सिस का ये इसका थ्योरम स्टेटमेंट और इसका प्रूफ, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एग्जांपल लेना है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये थ्योरम स्टेटमेंट करेंगे और इसका प्रूफ। और यहाँ भी हमारे पास ये एग्जांपल है, ये छोटी क्या करने पाना, ये बेसिक एग्जांपल्स है, ये यहाँ पे करेंगे प्रोपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए। और बाकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, जो इसका छोड़ नहीं करने का, तो ये अलग बन गया जिसको मैंने हाईलाइट किया है। ये थर्ड एग्जांपल है, इसको स्किप कर दें। प्रॉब्लम ऑफ माइंड ऑफ अनेशिया, एक्सिस ऑफ प्रिंसिपल, असिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने इंट्रोडक्शन क्या करना, ठीक है, थ्योरम स्टेटमेंट और ये प्रूफ नहीं करना। ये तीनों थ्योरम आते हैं, स्टेटमेंट पे ऐसा नहीं है और इनका रिजल्ट भी। नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अदर टू व्हेन वन इज नोन, जब एक नोन हो तो दूसरों को किस तरह फाइंड करते हैं, ये नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेशन प्रिंसिपल एक्सिस बाय द डायगोनलाइज द अनिशियम मैट्रिक्स, ये रहा है हमारा फाइनल टर्म सिलेबस, एंड हो गया है। कोई भी क्वेश्चन हो या क्यूरी हो आप डायरेक्ट कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और उसके बाद आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसे ज्वाइन करके आप लोग कोई भी किस्म का क्वेश्चन हो या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो डायरेक्टली तौर पे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।